हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जो कि लोगों के लिए आम समस्या बन गई है, पैरों का दर्द। मोस्टली हर घर में एक लेडीज ऐसी जरूर होगी जिसके पैरों में दर्द रहता होगा। भाई, पैरों के दर्द से हर इंसान परेशान है आजकल बहुत ज़्यादा। और फिर जब पैरों में दर्द होता है तो पूरा शरीर गिरा गिरा सा रहता है, बिल्कुल भी मन नहीं लगता है किसी काम में। और पैर ही हमारी नींव हैं, तो पैर ही जब हमारे कमज़ोर हो जाएंगे तो हम कैसे आगे अपनी लाइफ जी पाएंगे, है ना? तो चलिए, आपकी इस प्रॉब्लम का सलूशन मैं लेकर आई हूँ कुछ नुस्खों के साथ में। आई होप कि आपको वो सारे नुस्खे पसंद आएंगे और अगर आप उनको ट्राई करेंगे तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहेंगे। तो आप उनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ पूरी वीडियो में, तभी आप सारे नुस्खे जान पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। अक्सर देखा गया है कि रात को सोने से पहले कई लोगों के को ये प्रॉब्लम रहती है कि उनके पैरों में तेज़ दर्द महसूस होने लगता है। और आजकल पैरों का दर्द एक आम समस्या सी बन गई है और इस दर्द की वजह से कई बार पूरे दिन पूरी मतलब बहुत ज़्यादा थकान रहती है, शरीर गिरा गिरा रहता है। लेकिन अगर समय पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये परेशानी बढ़ भी सकती है। तो इसलिए आप इन घरेलू नुस्खों को अपनाएं जो कि मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहला जो उपाय है वो है सरसों का तेल। पैरों के दर्द को कम करने में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये सरसों का तेल। अगर आप रात को सरसों के तेल से पैरों की मालिश करती हैं, उसको थोड़ा गर्म कर लीजिए, उसके बाद पैरों की मालिश कीजिए, इससे आपको दर्द में बहुत आराम मिलेगा। दूसरी चीज़ है एप्पल साइडर विनेगर। पैरों के दर्द को कम करने के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है। आपको क्या करना होगा, एक कप में 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर डालना है और 1/2 चम्मच शहद मिलाइए। आप इसे खाली पेट पीजिए, ऐसा करने से आपको दर्द में बहुत आराम मिलेगा। और ये जो है एप्पल साइडर विनेगर, ये आपके पैरों की स्वेलिंग को भी दूर करेगा और दर्द भी बहुत कम कर देगा। और थर्ड जो चीज़ है वो है मेथी। मेथी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जिसकी वजह से ये एक अच्छे पेन किलर का काम करता है। तो आपको बस 1 चम्मच मेथी भिगोनी है रात भर के लिए और सुबह उठकर उसे काढ़े को खाली पेट पीजिएगा। दिन में आप 1 से 2 बार 1 चम्मच मेथी के बीज को चबा भी सकते हैं। ऐसा करने से आपके पैरों के दर्द में बहुत आराम होगा, आपको मतलब छुटकारा ही मिल जाएगा अगर आप मेथी का यूज करते हैं तो। एक चीज़ और है, मतलब अगर आप डेली उस चीज़ को करते हैं, रोज़ाना आप योग कीजिएगा। योग करने से आपके पैरों के दर्द में काफ़ी आराम मिल जाएगा। योग करने से क्या होता है, हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो अच्छी तरह से हो पाता है और बॉडी फ्लेक्सिबल बनती है। तो अगर आपके पैरों या फिर शरीर में कहीं भी दर्द होता है तो योग को अपने रूटीन का हिस्सा ज़रूर बनाइएगा। यही थी हमारी आज की इन्फॉर्मेशन। वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।